So today I am with CEO of Wildlife Rescue Trust, Mr. Arvind Pawar. Welcome to our show, sir. Thank you. So sir, let's start with our interview. मेरा पहला सवाल है, क्या आप Wildlife Rescue Trust के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये कैसे काम करता है? हमारा Wildlife Rescue Trust है, वो एक्चुअली हम लोग जो भी जहाँ पे भी कॉल आते हैं हमको 24 आवर्स हम लोग काम करते हैं, हमको जो भी कॉल आते हैं तो वहाँ हमारी पूरी टीम बनी हुई है। जैसे कि कोई बड़ा कॉल है हमारे पास तो उसके लिए भी हमारी टीम रेडी है। हम लोग ये जो काम करते हैं उसके लिए जो भी डोनेशन आता है उससे हमारा ये एक्टिविटी चलती है। सपोज के हम लोग कोई कॉल पे जाते तो स्वेच्छा से वो लोग जो डोनेशन देते उसके ऊपर ये हमारी एनजीओ चलती है, और ये एनजीओ में जितने भी ज्वाइंट हुए वो सभी वॉलेंटरी सेवा देते हैं। थैंक यू सर। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके मन में फुल टाइम एज अ एनिमल रेस्क्यूअर काम करने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली मैं बहुत छोटी उम्र का था, आज से 30 साल पहले की बात है। अभी मेरी एज 40 इयर्स है। 30 साल पहले जब मैं स्कूल से जब छूटा था तो घर की तरफ जा रहा था तो किसी ने एक स्नेक को डैमेज कर दिया था, जो अधमरी हालत में था, जो मर भी नहीं पा रहा था और जिंदा भी नहीं रह पा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। मैंने उसको उठा लिया, मेरे घर लाया, उसकी ट्रीटमेंट की, फिर उसको ओके होने के बाद उसको रिलीज किया मैंने। लेकिन मेरे को उसके बाद ऐसा लगा कि ये जो स्नैक वगैरह है उसके बारे में मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो मैं और जानवर बचा पाऊंगा, क्योंकि डर के मारे लोग जानवरों को मार देते हैं। तब तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन एक एनजीओ जो बड़ोड़ा में काम करती थी, GSPCA, गुजरात सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन क्रुएल्टी टू एनिमल्स, उस एनजीओ में जुड़ के मैं आगे और काम 15 साल किया, और आज की तारीख में दूसरी 15 साल से 2006 से मैं अब खुद की एनजीओ चला रहा हूँ। वंडरफुल सर। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या आपको लगता है कि यंग जनरेशन को इसे एज अ करियर चूज करना चाहिए? क्या इस फील्ड में फ्यूचर में स्कोप और अपॉर्चुनिटीज हैं? इसमें एक्चुअली जितने भी अभी जो स्कूल वगैरह में सिखाते वो सब थियरी सिखाते, प्रैक्टिकल नहीं सिखाते। और मैं जो एनजीओ चलाता हूँ, मैं मुझे ट्रेनर तरीके ही लोग ज्यादातर पहचानते। मैंने बहुत से अभी तक मैंने 2000 से ज्यादा वॉलेंटियर ट्रेन किए हैं जो अलग अलग जगह पे इंडिया और इंडिया के बाहर भी काम कर रहे हैं। ये लाइन में ऐसा है ना कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट, ये एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपना लड़का वाइल्ड लाइफ के लिए काम करे। क्यों? तो उनको डर रहता है, इसलिए इस लाइन में कोई आना नहीं चाहता है। लेकिन जॉब के लिए आपको फॉरेस्ट में जॉब पे लगना है या वेटनरी डॉक्टर बनना है या फायर ब्रिगेड में जॉब करनी है या आर्मी में जॉब करनी है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ में जो हम लोग प्रैक्टिकल सिखाते वो आपको आगे चल के बहुत काम लगता है, क्योंकि बाद में आप जब सीखने जाओगे तो नहीं सीख पाओगे। इसलिए जब आपकी उम्र होती है छोटी उम्र, तब भी से आप एनिमल लवर बनो तो ही ये सब आप सीख सकते हो, ने आगे जाके आपका फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि आप जो भी सपोज के ऑनलाइन कोई भी भर्ती आ गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती है या तो फिर फायर ब्रिगेड की भर्ती है या पुलिस की भर्ती है, तो इस सब में ये वाइल्ड लाइफ चीज बहुत काम लगती है। Yes, truly said, sir. So, sir, my next question is, environment और वाइल्ड लाइफ साथ साथ चलते हैं, पिछले 10 सालों में वडोदरा में अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या चेंज आया है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बहुत चेंजेस आया है, क्योंकि पहले बड़ोदा एक सीमित एरिया था, सिटी विस्तार में पूरा जो जितने हमारे यहाँ जो चार दरवाजे बोलते हैं, चार दरवाजे के अंदर पूरा बड़ोदा शहर बसा हुआ था। अभी धीमे धीमे जैसे जैसे रोड बड़े बन गए, सोसाइटियां बन गई, बिल्डिंगें खड़े हो गई, उसके कारण ये जो वन्य जीव है, जैसे कि लोगों ने अभी खेत वगैरह में खुद का घर बनाना चालू कर दिया, आजू बाजू जो जंगल विस्तार था उसको भी नहीं छोड़ा, वो सब के वजह से पेड़ पौधे काटने पड़े। और लोग ऐसा कहते हैं, अभी हम लोग को कॉल बढ़ गए, जैसे बारिश की सीजन या गर्मी की सीजन है उस टाइम पे लोगों के घर पे स्नैक, लोगों के घर में, स्कूल में या कॉलेज में या तो गार्डन में स्नैक वगैरह निकलते, तो लोग हमको एक सवाल करते कि हमारे यहाँ सांप क्यों निकलते,
हमारे यहाँ मगरमच्छ क्यों आते हैं, लेकिन वो आपके यहाँ नहीं आ रहे, आप उसके यहाँ रहने चले गए हो। ये हम लोगों को समझाते हैं कि आप लोगों ने उसको रहने की जगह नहीं रखी है। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बारिश, आप देखना कभी भी बारिश गिर रही है, कभी भी गर्मी चालू हो जाती है, कभी भी ठंडी गिरती है। अभी ये सीजन ठंडी की है, लेकिन अभी तक ठंडी शुरू नहीं हुई है, गर्मी लग रही है, बारिश गिर रही है। ये सब काय के लिए, पेड़ पौधे और जो जानवर है ये धीमे धीमे खत्म होने की आड़ पे है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट पूरी टीम, वो लोग इनको बचाने की कामगिरी कर रहे हैं। Yes. So sir, next question is, क्या आप मुझे किसी ऐसे केस के बारे में बता सकते हैं जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और आपने उस केस को कैसे संभाला? एक्चुअली चैलेंजिंग तो हमारे अंदर रोज का ही काम रहता है, क्योंकि जान हाथ में रख के जाना पड़ता है। किसी के यहाँ स्नैक निकला है, क्रोकोडाइल निकला है या लेपर्ड निकला है, तो पूरी टीम में जितने भी काम करते हैं, मैं खुद भी, मेरे खुद के लाइफ के दो तीन केस ऐसे हैं, उसमें से एक दो केस आपको बताता हूँ। एक 19 साल की लड़की को एक मगरमच्छ, आजवा के पास एक तालाब है, उदरवाया बोलते है, वहां उसके हाथ और दो पैर खा गया था और उसकी डेड बॉडी हमने निकाली थी। 2010 का केस है ये। वो हमारे लिए बहुत चैलेंजेबल था, क्योंकि वो मगरमच्छ को पकड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसने एक लड़की को खाया था, और गांव वाले और उसके लड़की के जो रिलेटिव थे वो मगरमच्छ को मार देना चाहते थे। हमने एक हफ्ते, एक वीक तक रात दिन वो तालाब के पास बैठ के, ताकि कोई मगरमच्छ को ना मार डाले या मगरमच्छ किसी इंसान को ना दोबारा मारे, उसके वहां हम लोग बैठ के फील्डिंग उठा के हमने उस मगरमच्छ को, एक वीक लगा हमको पकड़ने में। वो 15 फीट का मगरमच्छ था, 350 किलो वजन था उसका। उसको पकड़ के वडोदरा वन विभाग को हमने सुप्रत किया था, उन्होंने उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया। ऐसे ही हमारे उसमें एक दूसरा हमारा केस रहा था, कुएं के अंदर से कुछ मगरमच्छ या सांप गिर गया है या बंदर गिर गया है, तो हम लोग जब नीचे उतरते हैं 100 फीट उड़ने कुएं में, तो उस टाइम पे हम लोगों को तो जानवर तो बचाना ही है, लेकिन साथ में खुद को भी कैसे बचाना है और टेक्निकल रेस्क्यू कैसे करना है, वो भी हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन हम लोग ये काम जितना ही रिस्की होता है ना, उतना इजीली कर लेते हैं, उसमें हमको मजा आता है। सो सर, इसी के साथ हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। क्या आप हमारे व्यूवर्स को कोई एडवाइस या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि हम लोग जो रोजिंदा जो काम करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा समय जानवरों के लिए भी निकाले। कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी एनजीओ के साथ जुड़ के या ऐसे फील्ड में अपने कायम के लिए काम कर सके। आप आपके आजू बाजू जो भी वन्य जीव या पशु पक्षी है, उसको आप खाना खिलाओ, उसको पानी के लिए बाउल रखो, उसके लिए एक छोटा सा घर बना के, अभी क्या कंक्रीट के मकान हो गए तो उनको घर नहीं मिलता है, तो आप एक छोटा सा लकड़े का या पुट्ठे का मकान जो अपने शूज के उसमें से बनता है, वो भी अपने घर के बाहर लटका के रखो, तो उसमें वो लोग ब्रीडिंग करेंगे और उससे वापिस जो जनरेशन है, जैसे कि ये बर्ड्स के कारण बहुत सारे जो वो लोग छोटे छोटे फल वगैरह खाते हैं और जहां जाओ जाके वो चरकते हैं, वहां वो वापिस पौधे उगते हैं। कुछ नहीं तो हर एक लड़के को, अपने फैमिली मेंबर को भी, सबको मैं बोल रहा हूँ जो भी ये मेरा मैसेज सुन रहे होंगे, कि एक पौधा भी कोई लगाए तो पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। अगर सब जन अपनी खुद की जवाबदारी समझ के, कि गर्मी के समय पे आप देखोगे लोग अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह देखते हैं कि कहाँ छाव है, लेकिन उस टाइम पे मैं उनको सोचता हूँ, मैं उन लोगों को ऐसा समझाता हूँ, आप छाव के लिए इतना ये कर रहे हो, एक पौधा तो लगाओ। अपने घर के पास अगर पौधा है, बड़ा झाड़ है, तो उसको काट देते हैं लोग, क्यों? तो उससे घर के आंगन में बहुत सारा कचरा गिरता है, इसलिए लोग अभी बड़े बड़े झाड़ काट के छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, लेकिन उसके कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और मेरी हमको उम्मीद है कि आपके इस मैसेज के बाद बहुत सारे लोग इसे फॉलो करेंगे और जानवरों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए।